कुछ कहने चाहेंगे? जाहिर सी बात है, चीज क्या है, बड़े संघर्ष के बाद चीज क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम साजिशें की, काउंटिंग दर्ज से शुरू करवाई थी, उसके बाद भी हम लोगों ने पूरे धैर्य से इस चुनाव को लड़ा और अंत तो करके हम लोग चुनाव जीत करके आए। मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं महाराष्ट्र के अपने तमाम विधायकों का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इतनी शानदार और बड़ी जीत दिलाई। शुरुआत में बताया जा रहा था कि चारों भी उम्मीदवार जो थे महाविकास आघाड़ी के वो जीत जाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? हमें इस बात का दुख है कि मैं, प्रफुल्ल पटेल जी, प्रफुल्ल जी और संजय राउत जी चुनाव जीते, लेकिन हमारा एक साथी संजय पवार साहब चुनाव नहीं जीत सके। वो एक कूटनीतिक सेकंड प्रेफरेंशियल वोट और इन सब में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी चूक हुई। हमें उनकी हार का दुख है और हम लोग इसमें मंथन करेंगे कि महाविकास आघाड़ी चारों सीट जीतने में कहाँ थोड़ा सा चूक गई। हम जीत पर कुछ शायरी हो जाए, क्योंकि एक शायरी तो बनती है। हाँ, इस वक्त नहीं, इस वक्त जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं मैं लोगों से घिरा हुआ हूँ। हम आपके लिए सुबह साथियों से मुलाकात करने दीजिए। बस मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बहुत खुश हूँ। जिंदगी में जो बहुत मेहनत की थी, सुबह अपने शहर की ताजा हवा लेके चला था, हर दर्द की यारों में दवा लेके चला था, मुझको यकीन था कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके।